हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रथम गणतंत्र 1793 ईस्वी से 1799 ईस्वी की विदेश नीति की विवेचना। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम गणतंत्र हुआ था, जो कि राष्ट्र सम्मेलन में हुआ था फ्रांस में, उसमें उन्होंने क्या विदेश नीति अपनाई थी, यानी विदेशों के साथ उनके कैसे संबंध रहेंगे, वो दोस्तों हम लोग इनके डिस्कस करेंगे, क्या पॉलिसीज़ रहेंगी। जो कि हम जानते हैं प्रथम गणतंत्र जो था उसका कार्यकाल 1792 से 1799 के बीच में हुआ था। तो बहुत सारे इसके पहले हम लोग प्रथम गणतंत्र जो उन्होंने अपने देश में क्या रिफॉर्म्स करे, क्या पॉलिसीज़ अपनाई, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दोस्तों विदेश नीति के बारे में था, क्या जो विदेश थे, जो आसपास के जो दूसरे देश थे, उनके साथ ये कैसा अपने संबंध स्थापित करेंगे, मैत्रीपूर्ण करेंगे या दुश्मनी भरे करेंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या इनकी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ रहेंगी। प्रथम गणतंत्र की विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसीज़। ठीक है, क्या इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ रहेंगी। राष्ट्र सम्मेलन की विदेश नीति निम्न प्रकार की रही। प्रथम मित्र गुट का निर्माण। तो पहला दोस्तों इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी जो अपनाई वो थी प्रथम मित्र गुट का निर्माण। फ्रांस में राज्य क्रांति की सफलता और राजतंत्र के विनाश को देखकर, यानी जो यहाँ पर राज्य क्रांति से जो सफलता प्राप्त हुई थी, और उससे पहले जो मोनार्की थी, जो हायरार्की सिस्टम था, यानी राजा का शासन, वो एक तरह से बिल्कुल उसका विनाश हो गया था। यूरोप के अनेक राष्ट्र क्रांति के विरुद्ध हो गए थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने फ्रांस की बढ़ती हुई शक्ति का अंत करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों से मिलकर 1792 ईस्वी में प्रथम यूरोपीय गुट फर्स्ट कोलिजन का निर्माण किया। इस गुट में ऑस्ट्रेलिया, प्रशा, रूस, स्पेन, हॉलैंड और सार्डिनिया शामिल हुए। इस गुट का मुख्य उद्देश्य यूरोप में वर्तमान प्रचलित व्यवस्था को कायम रखना और फ्रांस की राज्य क्रांति का दमन करना था। यानी जो दूसरे उसके आसपास के देश थे, वो फ्रांस की बढ़ती हुई ताकत से भयभीत हुए और उन्होंने एक गुट बना लिया। और इस गुट में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, प्रशा, रूस, स्पेन, हॉलैंड और सार्डिनिया नामक देश शामिल थे। और इनका उद्देश्य यूरोप में वर्तमान प्रचलित व्यवस्था, यानी जो मोनार्की, जो राज्य तंत्र है, प्रजा का तंत्र नहीं, राज्य तंत्र को बरकरार रखना था। यानी राजा का शासन, निरंकुश शासन, उसको बरकरार रखना था। तो इस गुट के कारण फ्रांस चारों ओर से शत्रुओं से घिर गया, क्योंकि उसके चारों ओर दोस्तों शत्रु थे जो उसकी मानसिकता, जो उसके सोच के खिलाफ थे, जो जो स्वतंत्रता, जो जो एक तरह से लोकतंत्र के थे, लोकतंत्र के खिलाफ थे ये सारे देश। तो जाहिर सी बात है, और जो फ्रांस था दोस्तों, ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में विश्वास रखा था, तो एक तरह से इसके चारों ओर दुश्मनों से ये घिर गया था और उसे एक भयंकर युद्ध चक्र में व्यस्त होना पड़ा। सन 1793 ईस्वी की बसंत ऋतु में प्रथम मित्र गुट के सदस्यों ने संयुक्त रूप से फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। यानी जितने भी दोस्त, ये आपके हॉलैंड है, रशिया हो गए, सार्डिनिया हो गए, ये सारे दोस्तों ने दोस्तों यहाँ पर एक साथ मिलकर बसंत ऋतु में क्या करा, फ्रांस पर हमला कर दिया। बेल्जियम, राइन प्रदेश, सेवाय और नीच प्रदेशों पर, जिन पर फ्रांसीसी सेनाओं ने बलात् अधिकार यानी जबरन अधिकार कर रखा था, मित्र राष्ट्रों ने की सेनाओं ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ऐसी स्थिति में बाह्य संकटों और आंतरिक विद्रोहों द्वारा बिगड़ती व्यवस्था को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि फ्रांस छिन्न भिन्न हो जाएगा और क्रांति के सभी सुधारों और सिद्धांतों का अंत हो जाएगा। जैकोबिन दल की नीति उन दिनों जब फ्रांस पर, क्योंकि अब दोस्तों दो गुट थे, एक थे जिरोंदिस का, जिरोंदिस को दोस्तों यहाँ पर जैकोबिन ने कत्ल करवा दिया था, तो अब यहाँ पर दोस्तों जो सत्ता थी वो जैकोबिन की थी।
अभी भी दोस्तों फ्रांस में एक तरह से लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि जैकोबिन एक तानाशाह की तरह वहाँ पर राज्य करता था। उन दिनों जब फ्रांस पर विदेशी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों के बादल छाए हुए थे, फ्रांस में जैकोबिन दल के नेता दांतों ने आतंक का शासन स्थापित किया और अपनी दृढ़ नीति द्वारा वैदेशिक व आंतरिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। जैकोबिन दल ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए घोषणा की, फ्रांसीसी राष्ट्रीय घोषित करता है कि वह उस हर व्यक्ति को शत्रु समझेगा जो स्वतंत्रता और समानता की भावना को छोड़कर राजा या विशेष अधिकार से युक्त वर्ग की पुनर्स्थापना करना चाहता है। यानी उसे साफ तरह से कह दिया, या तो आप डेमोक्रेसी के साथ हैं और या तो हमारे दुश्मन हैं। ठीक, ये एक तरह से कहना था। यहाँ पर किसी एक राजा को विशेष अधिकार, कोई कुलीन वर्गों को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सब हमारी नज़र में समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, तो एक तरह से यहाँ पर जिरोन जो आपका जैकोबिन ग्रुप था उसका ये कहना था, एक तरह से उन्होंने घोषणा कर दी थी। दूसरी ओर वह ये घोषणा करता है कि वह तब तक किसी संधि को स्वीकार ना करेगा और ना हथियार डालेगा जब तक कि उन देशों में जहाँ की फ्रांस के सैनिक पहुँचेंगे स्वतंत्रता और समानता की स्थापित नहीं हो जाएगी। जनता समानता के सिद्धांतों को मानकर लोकतंत्र का निर्माण नहीं कर लेगी। इस घोषणा के बाद जैकोबिन शासकों ने यूरोपीय गुट को शक्तिशाली सेनाओं का सामना करने के लिए कार्नोट के रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया। कार्नो ने बड़ी बुद्धिमानी और योग्यता का परिचय दिया। उसने अगस्त 1793 ईस्वी में एक कानून पारित करवाया जिसके अनुसार 18 से 25 वर्ष तक की आयु वाले हर फ्रांसीसी के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। इस प्रकार कार्नो ने कठोर परिश्रम के बाद देश में शीघ्र ही एक राष्ट्रीय नेशनल आर्मी का निर्माण किया। कार्नो के प्रयत्नों के फलस्वरूप फ्रांस में लगभग 770,000 सैनिकों की एक सुसज्जित और प्रशिक्षित सेना तैयार हो गई। सैनिकों को प्रशिक्षित करने, युद्ध की योजनाओं का निर्माण करने, देशद्रोहियों को सजा देने और फ्रांसीसियों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने के लिए सभी प्रकार के उचित अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे गलत चीज़ें भी हुई, सही ठीक हुई, इसी यहाँ पर अनुचित और उचित दोनों चीज़ें हुई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे लॉज को फॉलो करा हो। राष्ट्रगान द्वारा जनता और सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाने लगा और मूरियो, पिशेगु और जॉर्डन जैसे योग्य और कुशल सेनापतियों को राष्ट्र सेना के संचालन का भार सौंप दिया। दोस्तों नाम आए तो आ सकता है कि कौन इस राष्ट्रीय जो फ्रांस की राष्ट्रीय आर्मी थी उसके सेनापति थे, मोरियो एक थे, एक पिशेगु थे और एक जॉर्डन थे। संचालन का भार सौंपा गया। इस प्रकार फ्रांस पूर्ण रूप से शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार हो गया। प्रथम गुट के विरुद्ध फ्रांस की सफलताएं। फ्रांस में राष्ट्रीय सेना के निर्माण से पूर्व प्रथम गुट के सदस्य देशों को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी और हर स्थान पर फ्रांसीसी सेना को पराजित होना पड़ा। ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने 12 मार्च 1792 ईस्वी को नीदरलैंड में फ्रांसीसी सेनापति दुमोरियो को बुरी प्रकार से पराजित कर दिया। फलतावा शत्रु पक्ष में मिल गया। शीघ्र ही फ्रांस की पराजय जीत में बदल गई। ये जीत क्रांतिकारियों की राष्ट्रीय जीत थी। इस विजय में कार्नो की योग्यता और प्रतिभा का पूर्ण योगदान रहा, जो कि प्रधान सेनापति था फ्रांस की आर्मी का। एक फ्रांस की राष्ट्रीय सेना से पराजित होकर अंग्रेजी सेना को हानशूट का घेरा उठाना पड़ा। स्पेन पराजित होकर फ्रांस से संधि करने के लिए विवश हो गया। ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड की सेनाएं उनके स्थानों पर पराजित हुईं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने हॉलैंड के शासक विलियम पंचम को पदच्युत करके वहाँ
बटेवियन गणतंत्र की स्थापना कर दी। अंग्रेज़ों को तुरलो नामक बंदरगाह भी खाली करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को छोड़कर अन्य सभी मित्र गुट के राज्यों ने फ्रांस के समक्ष पराजय स्वीकार कर ली। यानी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड थे, सबने अपनी पराजय मान लिया। जो मित्र गुट बनाया था वो अब हार गया फ्रांस के आगे। इन महान विजयों का श्रेय कारनो को दिया गया और उसे रक्षा का व्यवस्थापक और विजयों का व्यवस्थापक कहा गया। इस प्रकार राष्ट्रीय सभा की वैदेशिक नीति पूर्णतः सफल रही और इस सफलता के बाद फ्रांस यूरोप का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। एक इतिहासकार के शब्दों में राष्ट्रीय सम्मेलन के शासकों के 2 वर्ष के कठोर परिश्रम का ये परिणाम निकला कि यूरोपीय गुट की सेनाएं पूर्व विजित प्रदेशों से ही नहीं बल्कि खुद अपने प्रदेशों में कई भागों से खदेड़ दी गई और फ्रांस यूरोप के सब देशों से अधिक शक्तिशाली देश माना जाने लगा। 1795 ईस्वी में प्रशा और स्पेन ने उससे संधि कर ली और एक दशक तक उससे युद्ध करने का नाम तक ना लिया। देश के समस्त विद्रोह शांत हो गए। जैकोबिनों ने देश की एकता और स्वतंत्रता को पूर्णतः सुरक्षित ही नहीं रहने दिया बल्कि उसे यूरोपीय महाद्वीप का सर्वाधिक शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। राष्ट्रीय सम्मेलन का विघटन। राष्ट्रीय सम्मेलन ने तृतीय वर्ष में संविधान का निर्माण करने के बाद देश के व्यापक संकट और प्रतिक्रियावादियों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करने के लिए एक नया अधिनियम अक्टूबर 1795 ईस्वी में पारित किया। इस अधिनियम में ये व्यवस्था थी कि नए सदन में केवल 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होगा, शेष 2/3 सदस्य राष्ट्रीय सभा से ही चुने जाएंगे और अगर जनता ऐसा नहीं करेगी तो सम्मेलन को ये अधिकार होगा कि वह सदस्यों को मनोनीत कर दे। इस अधिनियम के कारण फ्रंक वीडोर का विद्रोह संपन्न हुआ। 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को 30,000 की सशस्त्र भीड़ ने राष्ट्रीय सम्मेलन के भवन पर आक्रमण कर दिया। इस भयंकर स्थिति में सम्मेलन ने बारस को अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया, जिसने एक पदच्युत सैनिक अधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट की सहायता से राष्ट्रीय सम्मेलन की रक्षा में सफलता प्राप्त की। इस घटना से नेपोलियन बोनापार्ट संपूर्ण फ्रांस में चर्चा का विषय बन गया। राष्ट्रीय सम्मेलन ने अपना कार्य पूरा करके 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी को खुद को भंग कर लिया। यानी अब यहाँ पर जो राष्ट्र सम्मेलन था वो अब खत्म हो गया। अब राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल्यांकन दोस्तों क्या था। राष्ट्रीय सम्मेलन ने 3 वर्ष के अपने शासनकाल में पूर्ण सफलता प्राप्त की और फ्रांस की अधिकांश समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया, हालांकि उसने आतंक का शासन स्थापित किया हुआ था। तो ये दोस्तों यहाँ पर वैदेशिक फॉरेन पॉलिसीज़ रहीं फ्रांस की जो राष्ट्रीय सम्मेलन थी प्रथम गणतंत्र की। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।